अध्यक्ष अजय राय से भी खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। चुनाव की तारीख को घोषणा हो चुकी है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय जी मौजूद हैं। सर, चुनाव की तारीख को घोषणा हो चुकी है, 20 तारीख को लखनऊ अमेठी रायबरेली में चुनाव होगा, आपके भी प्रत्याशी घोषित नहीं हो पाए? नहीं, प्रत्याशी बहुत जल्द घोषित हो जाएंगे और हम लोग तो तारीख का इंतजार कर रहे थे। तारीख आ गई और निश्चित तौर से पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। हमारे सारे कैंडिडेट बहुत जल्द आपके सामने आ जाएंगे। समाजवादी पार्टी भी आपके साथ में, हालांकि बाकी के सपा साथ में नहीं है, आरएलडी भी साथ छोड़ चुकी है, कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, हमारे साथ आम जनता है, आम जनता की बात आ रही है। जब 60,000 जो 50,000 भर्ती थी, 60,000 जो शिक्षकों की भर्ती थी, सिपाहियों की, उसको आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने लीक कराया। लीक हुआ उस पर 50-50 लाख लोगों ने उस पर आवेदन किया था। ये सारी चीज़ें सामने आएंगी, आम जनता हमारी लड़ाई लड़ेगी, ये सारी चीज़ें। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि आम जनता कांग्रेस के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ रहेगी। 2009 में कांग्रेस को थोड़ा अच्छा नतीजा मिला, लेकिन उसके बाद के जो चुनाव थे उसमें कांग्रेस बहुत अच्छा नहीं कर पाई थी, इस बार क्या उम्मीद है? इस बार का परिणाम इंडिया गठबंधन का बहुत मजबूत रहेगा। देश स्तर पे जो गठबंधन बना है वो पूरी ताकत के साथ एनडीए को हराएगा और निश्चित तौर से इनको हम उत्तर प्रदेश से हराएंगे। एनडीए गठबंधन है यानी भाजपा के सहयोगी, वो पूरे 80 सीटों को जीतने का दावा कर रहे हैं? नहीं, 80 वो झूठ बोल रहे हैं, उनकी लड़ने की स्थिति कहीं नहीं रह गई है। बस बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, रोज़ केवल झूठी बात, झूठे प्रचार कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उसका जवाब जनता देगी, नौजवान देगा, महिलाएं जिसके साथ अत्याचार अन्याय किया, जिसके साथ इन्होंने बलात्कार किया है, हमारी बच्चियों, BHU के अंदर आपने देखा एक बच्ची के साथ जिस तरीके का भाजपा के लोगों ने कुकृत्य किया, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई हैं इनके नेताओं ने, इसको टिकट दिया, इनके मंत्री के घर में हत्या हुई, उनके बेटे का नाम है ये मोहनलालगंज के, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, फिर उसको टिकट दे दिया। तो यार, जनता देख रही है कि आज किस तरीके से लोगों के मांग उजाड़े गए, सिंदूर उजाड़े गए, बच्चियों के साथ बलात्कार किए गए, नौजवानों का भविष्य खराब किया गया। इस सब का जवाब 2024 में को मिलने वाला है। रायबरेली अमेठी को लेकर आप लोग मांग कर रहे थे कि गांधी परिवार से लड़े, लेकिन अभी तो कुछ चीज़ें साफ नहीं हो। अभी आ रही है चीज़ें, अभी आने दीजिए, 17 सीट अभी हमारी बाकी है, सारी चीज़ें बहुत जल्द आपके सामने आएगी। तो बिल्कुल जल्द ही जो प्रत्याशी बचे हुए उनकी घोषणा भी जल्दी हो जाएगी, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी मानती है कि इस बार गठबंधन के जो लोग हैं वो 80 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल क्या होगा नतीजा ये तो